नंबर वन चैनल के नंबर वन शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। साजिश में आज बात इजराइल के उस एक्शन की जिसने हमास को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ाया। गाजा पट्टी से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनको देख पाना इस्माइल हानिया के लिए बहुत मुश्किल है। हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इसराइल को घुटनों पर ला दिया था, वो उन्हीं को आज ऐसी सजा दे रहा है कि पूरी दुनिया कांप रही है। वहीं इसराइल के एयरफोर्स ने अब गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद करने के बाद दक्षिण लेबनान पर कॉर्पेट बॉम्बिंग शुरू कर दिया। अब हिजबुल्ला की अगर बात करें तो अगर हिजबुल्ला इस युद्ध में पूरी तरह नहीं कूदा तो इसराइल लेबनान को भी घुटनों पर लाने में देर नहीं करेगा। इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है। जो दर्द हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल को दिया, अब वही दर्द कई सौ गुना करके इजराइल हमास को दे रहा है। गाजा पट्टी से बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आने लगी है। अब तक तो आपने सिर्फ यही देखा होगा कि गाजा पट्टी के अंदर इमारतें टूट रही हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन पहली बार गाजा पट्टी से आत्मसमर्पण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आत्मसमर्पण की तस्वीर बहुत हृदय विदारक और बेचैन करने वाली है। रूस और यूक्रेन में युद्ध इस वक्त भी चल रहा है और पूरी दुनिया ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भी आत्मसमर्पण की तस्वीर देखी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में लड़ने वाले फौजी अपने कपड़ों में ही आत्मसमर्पण करते हुए देखे गए हैं, लेकिन इसराइल ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में हमास के आतंकवादियों का आत्मसमर्पण करवाया है। दरअसल फिलिस्तीन के तमाम न्यूज वेबसाइट और अखबार इस तरह की खबरें छाप रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों को निर्वस्त्र करके यानी बिना कपड़ों के आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है। एक वीडियो भी पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हमास के आतंकवादी सैकड़ों की संख्या में बिना कपड़ों के खड़े हैं और एक शख्स जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है वो अपने हथियारों को हथियारों के ढेर पर फेंक रहा है, यानी आत्मसमर्पण कर रहा है। गाजा पट्टी से आ रही इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। गाजा पट्टी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल अब गाजा पट्टी के लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। युद्ध की वजह से किसी और भी व्यवस्था को कायम करना एक चुनौती बन गया है। फिलिस्तीन के कई अखबारों का दावा है कि गाजा पट्टी के 97% घरों में राशन नहीं है। 90% लोग अब खाने के लिए दुनिया पर निर्भर हो चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और अब तक जानकारी के मुताबिक करीब 18,000 लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब इसराइल की आर्मी ने एक और नया आंकड़ा पेश किया है। इसराइल की आर्मी ने दावा किया है कि इसराइल की सेना ने अब तक 7,000 आतंकवादियों को मार गिराया है। सात अक्टूबर को जब इसराइल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त भी करीब 3,000 हमास के आतंकवादी इसराइल में घुस गए थे। इनमें से बड़ी संख्या में आतंकवादी भागने में सफल रहे, लेकिन करीब 1,000 आतंकवादी 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के अंदर इसराइल की सेना के पलटवार में भी मारे गए थे। बड़ी बात यह है कि अब लेबनान पर भी इसराइल ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। फिलिस्तीन के समाचार पत्रों में और न्यूज वेबसाइट में ऐसे कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें कि लेबनान पर बमबारी की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। तस्वीर देखकर साफ लग रहा है कि दक्षिण लेबनान में इसराइल के द्वारा कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। दरअसल पिछले हफ्ते हिजबुल्ला की गोलीबारी में इसराइल का एक नागरिक मारा गया था। उस एक मौत पर भी इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एक बयान जारी किया था। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हिजबुल्ला इसराइल पर हमला करने से बाज नहीं आया तो इसराइल की सेना और इसराइल की एयरफोर्स लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा पट्टी और दक्षिणी लेबनान को खान यूनुस में बदल देंगे।
इस धमकी के बाद अब दक्षिणी लेबनान में भी कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। युद्ध के हालातों में अस्पताल चलाने का अनुभव रखने वाले एक ब्रिटिश मूल के डॉक्टर ने यह कहा है कि गाजा पट्टी में हालात इराक युद्ध से भी ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसकी तुलना एक सुनामी से की है। Even the wars in Iraq and Syria and Yemen that I've been involved in, this is the difference between this one and those ones is the difference between a flood and a tsunami. The size, the intensity, the ferocity, the fact that the destruction of the health sector was central to the war effort. Every aspect of this war was just magnified. दूसरी तरफ अब इसराइल और हमास की जंग तीसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है और इस तीसरे महीने में भी इसराइल फिलिस्तीन के लोगों को राहत देने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। पहले इसराइल ने उत्तर गाजा के पूरे इलाके पर जबरदस्त बमबारी की है और अब इसराइल दक्षिणी गाजा में भी रफा क्रॉसिंग और खान यूनुस पर भयंकर बमबारी कर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गाजा पट्टी के बहुत सारे नागरिक एक ही महीने में दूसरी बार विस्थापन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानियां गाजा पट्टी के वो लोग सुन रहे हैं जो इसराइल की आर्मी की हिरासत में रहे। خمس ايام الله وكيلكم فيش غير نشرب غير هذا نص كاس ميه اول يوم ترجناهم بدنا نشرب لا فيش ميه فيش غير ثاني يوم عشان انا صغير وقعدت ازن عليه وقعدت اعيط بدي اروح حكى لي لا بدي اعطيك نص كاس ميه। इसराइल के एक बड़े अखबार ने कुछ बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें प्रकाशित की थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि फिलिस्तीन के लोगों को निर्वस्त्र करके यानी बिना कपड़ों के खुले मैदान में बैठा दिया गया है। यहां तक कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कि सड़कों पर गाजा पट्टी के लोगों को निर्वस्त्र करके बिठाया गया था। अब इसराइल का दावा है कि ये लोग हमास के आतंकवादी हैं, जबकि फिलिस्तीन के अखबार दावा कर रहे हैं कि ये लोग आम नागरिक हैं। طبعا ها كيف شلوت وواحد يمسكك العزة كأنه حيوان مسحف فيك كأنه خلص باللي بتفهمه بمشي معك في أرض مجرفة في رمل في حصن في حجار ملوش علاقة بده وصلك لوين للمكان وما فيه بعد هيك بحطك في رمل وبعد هيك أنا أقول لك كممونا أنا حسيت إنه حنقتلونا وسامع في هذا بعد هيك أخذونا على مكان أنا سامع في تحقيق انا في تحقيق بعدك في ناس اخذوهم وين ودوهم الله اعلم انا اخذوني في منطقه كنت انا 10 تنفر فيها نفس الشغله ها طبعا هذا هي مرابط البلاستيك اربع خمسه كل يوم صباح القى لاي واحد خبط في البطن في الصفحه وين مكان دق 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 اسراف تحقيقهم افضح تحقيق في حياتي قبل افضح تحقيق يموت للامانه مجرمين फिलहाल हालात ये हैं कि इस भयंकर कत्लोकार और क्रूरतापूर्ण हत्याओं के दौर में दुनिया पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में किसी भी तरह गाजा के युद्ध को रोकने की मांग की गई, लेकिन अमेरिका ने अपने वीटो के माध्यम से युद्ध रोकने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सही फैसला किया है। दूसरे देशों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर युद्ध रुक जाएगा तो हमास को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ दुनिया एक और संकट में घिरती भी नजर आ रही है। यमन का चरमपंथी संगठन होती जिसका कि यमन के एक बड़े इलाके पर कब्जा भी है अब लगातार उग्र होता जा रहा है। हूती अब लाल सागर को जाम करने की योजना बना रहा है। दुनिया के इस नक्शे को देखिए, इसमें लाल सागर की लोकेशन बेहद अहम है। दरअसल लाल सागर से यूरोप के देश के लोग पानी के जहाज से व्यापार के लिए निकलते हैं। अगर लाल सागर का रास्ता बंद कर दिया गया तो ये युद्ध और तनाव भड़काने वाली एक और बड़ी वजह बन सकती है।
इससे पहले भी हूती संगठन ने अपनी ताकत को समंदर में उस वक्त दिखाया था जब उसने पानी के एक जहाज पर बहुत आसानी से अपने लड़ाकों के माध्यम से कब्जा कर लिया था। लेकिन अब हूती की यह धमकी है कि इजराइल ही नहीं, अगर दूसरे भी किसी देश का पानी का जहाज लाल सागर से होकर गुजरेगा तो वो उस पर कब्जा कर सकते हैं और लाल सागर का रास्ता रोक सकते हैं। धमकियों ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की चिंता को बढ़ा दिया। इजराइल युद्ध में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री अब हो चुकी है। इजराइल ने हमास के खिलाफ AI सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इस सिस्टम से हमले और तेज होंगे, साथ ही इजराइल के सैनिक की जान जाने की संभावना भी ना के बराबर हो जाएगी। AI सिस्टम इतना पावरफुल है कि इससे इजराइल युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। हमेशा के लिए बदल गई युद्ध की तकनीक। इजराइल ने कर दिया युद्ध में AI का इस्तेमाल। एक दिन में AI हमास पर करेगा 100 हमले बिना नुकसान। AI से बर्बादी वाली गारंटी। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहीं भी किसी भी वक्त वो जानकारी जो आपको जीत की 100% गारंटी देती है। वो तकनीक जिसने परंपरागत युद्ध को बदल दिया, जिसने युद्ध का पूरा रिजल्ट बदल दिया। उदाहरण सामने है, पुतिन के जनरलों ने 72 घंटे में यूक्रेन विजय का प्लान बनाया लेकिन फंस गए। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में इजराइल घुसा और अब तक फंसा हुआ है। कागज और जमीन दोनों पर रूस यूक्रेन से और इजराइल हमास के बीच शक्ति की कोई तुलना नहीं है। रूस और इजराइल दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक के हथियारों का प्रोडक्शन करने वाले देश हैं, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध की दशा बदल गई है। क्योंकि युद्ध का मुख्य हथियार ही बदल गया। युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई। इजराइल युद्ध में AI ने कैसे कोहराम मचा दिया है, कैसे बिना बड़े नुकसान के AI के इस्तेमाल से निशाना ज्यादा लग रहा है, सटीक लग रहा है और तबाही भी ज्यादा हो रही है। यही नहीं, जवानों की मौत का डर भी खत्म होता जा रहा है। इतिहास में इजराइल युद्ध AI के इस्तेमाल के लिए याद किया जाएगा। AI के इस्तेमाल से क्या फायदा हो रहा है और भविष्य में कैसे ये संकट बन सकता है, दोनों पक्षों को विस्तार में समझेंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो अब भी विकास की अवस्था में है। आगे आपको इजराइल की यहा लोम यूनिट के बारे में बताएंगे जिसने हमास की सुरंगों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इजराइल रक्षा बल यानी IDF गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में हब सोरा नाम के AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। हब सोरा मतलब हिब्रू में द जसपल होता है। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम का उपयोग इजरायली सेना ने शुरू कर दिया है जिससे वो और ज्यादा हमले कर सकेगी और साथ ही हमास के सक्रिय लड़ाकों को भी खोजकर मरने वाले संभावित नागरिकों की संख्या को भी पहले से ही अनुमान लगा सकेगी। इस सिस्टम का इस्तेमाल बमबारी, निशाने चुनने, हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए किया जाता है। IDF के एक पूर्व प्रमुख ने कहा कि मानव खुफिया विश्लेषक के जरिए हर साल गाजा में बमबारी के लिए 50 स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है लेकिन हबसूरा एक दिन में 100 लक्ष्य तैयार कर सकती है।
एआई में युद्ध के चरित्र को नया रूप देने की क्षमता है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं, पूरी मानवता के खिलाफ भी हो सकता है। ये अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं, अगर इनका निशाना चूक जाए। इन तकनीकों के इस्तेमाल के पहले बहुत सावधानी बरतनी जरूरी होती है। लेकिन ऐसा हो रहा है, बता पाना मुश्किल है। यूक्रेन युद्ध में जब ड्रोनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो ये सौदा रूस से ज्यादा यूक्रेन को पसंद आया। एक ड्रोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 50,000 या 1,00,000 होगी, जबकि एक मिसाइल की कीमत कम से कम 50,00,000 से 1,00,000 होगी। अब ये बेहद सस्ते ड्रोनों को मारने के लिए बेहद कीमती मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़े तो सोचिए क्या भाव पड़ेगा। तकनीक ने युद्ध को आसान बना दिया है और घातक, खतरनाक और ज्यादा तबाही वाला बना दिया है। इसके कुछ फायदों को देखिए, इसके बाद दिखाएंगे कि इसका नुकसान किस लेवल का हो सकता है। एआई सैनिकों को अधिक कुशल बना सकती है, इससे युद्ध की गति तेज हो जाती है। एआई का युद्ध के सभी स्तरों पर प्रभाव पड़ रहा है, खुफिया, निगरानी और टोही गतिविधियों से लेकर घातक हथियार प्रणालियों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जरिए मानव हस्तक्षेप के बिना निशाना बनाकर हमला किया जा सकता है। IDF की हब सोरा प्रणाली भी इसी तरह काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली सेना की मौत की अब तक कितनी खबरें आई हैं। इजराइल बिल्कुल सावधानी से बिना जवानों को खोए जंग जीतना चाहता है और इसके लिए उसके पास विकल्प है तकनीक। हब सोरा ने इजरायली डिफेंस फोर्स का काम आसान कर दिया है। जमीन पर सेना के पास अब हमास की वो जानकारियां पहुंच रही हैं जो आईने में दिखा देती हैं कि दुश्मन की लोकेशन क्या है, दुश्मन कितने हैं, उनके पास हथियार कितने हैं, कैसे हैं। जाहिर है हर सेना को ऐसे हथियार की जरूरत होती है, लेकिन पूरी दुनिया इतनी उन्नत नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि AI सिस्टम युद्ध के समय खतरनाक गलतफहमी पैदा करने या दुष्प्रचार में योगदान दे सकता है। ये सिस्टम मशीनों के सुझाव पर भरोसा करने की मानवीय प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। हब सोरा सिस्टम से बात सामने आई है कि किसी AI सिस्टम की सीमाएं स्पष्ट नहीं हो सकती, मतलब तय नहीं हो सकती। इसलिए AI का उपयोग इस आधार पर उचित है कि ये बड़ी मात्रा में डेटा की व्याख्या कर सकता है, इसे रिफॉर्म यानी संशोधित कर सकता है। लेकिन युद्ध में जहां सीमा तय होती है, वहां सीमा नहीं समझने वाले हथियार का इस्तेमाल बहुत 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 खतरनाक हो जाता है। ২০২১ में इसराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ द वॉल शुरू किया था। 11 दिनों की लड़ाई को पहले AI युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। AI टूल्स से लिए गए डेटा का इस्तेमाल गाजा में टारगेट को हिट करने के लिए किया गया था। इसराइल तकनीक में महारत रखता है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम 7 अक्टूबर को हमास हमले के दौरान नाकाम रहा, लेकिन इससे इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था की बखिया ओघड़ जाने के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसराइल के पास अमेरिका वाला पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी है, और सबसे बड़ी बात कि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, संयुक्त राष्ट्र में वीटो के साथ। लेकिन समस्या ये है कि इसराइल 7 अक्टूबर से दिसंबर आ गया, लेकिन इसराइल गाजा में हमास के अंतिम आतंकी तक नहीं पहुंच पाया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि गाजा की सुरंग हमास के लिए वरदान साबित हो रही है। इसराइल अब इन सुरंगों को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से तबाह कर रहा है। हमास ने गाजा में जमीन के अंदर कई सुरंगें बनाई हैं। इन सुरंगों को इसराइल मेट्रो कहता है। इसराइल ने दावा किया था कि उसने अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें खोजी हैं। इन सुरंगों का जाल पूरे गाजा में करीब 500 किलोमीटर में फैला है, लिहाजा इसे हमेशा के लिए नष्ट करने का काम आसान नहीं है। AI के साथ ही इसराइल ने हमास की सुरंगों को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी याहलोम यूनिट को तैनात किया है। याहलोम यूनिट हमास की सुरंगों को खोज रही है और उन्हें नष्ट कर रही है। हिब्रू भाषा में यालोम शब्द का अर्थ हीरा होता है। इस नाम से ही ये यूनिट अपनी विशेषता बताती है। इस यूनिट की स्थापना 1995 में हुई थी। 2014 के गाजा युद्ध के बाद इसराइल ने इस यूनिट को बढ़ाकर लगभग दोगुना कर दिया है, जिसे इजरायली ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के रूप में जाना जाता है। यालोम ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में अहम भूमिका निभाई है।
इसराइल का अस्तित्व उसके डिफेंस सिस्टम यानी सुरक्षा तंत्र पर टिका है। आयरन डोम को 7 अक्टूबर को हमास ने कंफ्यूज कर दिया था और 1400 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसका नतीजा पूरा फिलिस्तीन भुगत रहा है। अब तक 17,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो जाहिर तौर पर हमास जैसे संगठन के सदस्य नहीं थे। हमास के पास तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 से 40,000 लड़ाके होने का अनुमान लगाया जाता है। मतलब इसराइल एआई का सीमित तौर पर इस्तेमाल कर इसराइल ईरान जैसे बड़े देशों को मैसेज दे रहा है कि उससे पंगा नहीं ले, वरना ईरान के पास कामिकाजे जैसे घातक ड्रोन है। तो इसराइल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इनपुट है, जिसका इस्तेमाल इसराइल बिना सैनिकों को तेहरान भेजे तेल अवीव में बैठे बैठे कर सकता है। इसराइल के पास आधुनिक हथियार भी हैं और तेज खुफिया एजेंटों का जाल भी मौजूद है। इस खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायली डिफेंस फोर्स 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड याया सिनवार की तलाश खान यूनुस में कर रही है। जिन सुरंगों को खत्म करने के लिए इसराइल ने अपनी यालोंग यूनिट को तैनात किया है, उन सुरंगों में से ही एक में छिपा बैठा है याया सिनवार। आईडीएफ खान यूनुस में लगातार छापेमारी कर रही है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा है कि इजरायली सेना याया सिनवार को ढूंढ कर मार डालेगी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक याया सिनवार लड़ाई की शुरुआत में दक्षिण की ओर जा रहे एक काफिले में छिपकर उत्तरी गाजा से कहीं भाग गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिनवार गाजा शहर से भाग गया और दक्षिण गाजा के खान यूनिस की ओर चला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेनाएं मान रही हैं कि सिनवार अभी भी खान यूनिस में है या इसके नीचे से गुजरने वाली सुरंगों में से एक में है। इस्माइल हानिया हो या सिनवार या फिर मोहम्मद दईब, हमास का कोई भी नेता हो, कमांडर हो या लड़ाका हो, इजरायली सेना हर एक को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के लिए हमले कर रही है। इस हमले में इजरायली सेना के पास उन्नत हथियार भी हैं और दुनिया की सबसे तेज सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। चीन के नेता और बड़े बड़े मंत्री बहुत बड़े खतरे में पड़ गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री केन गैंग को जान से मार दिया गया। चीन के पूर्व विदेश मंत्री 6 महीने से गायब थे। हैरत इस बात पर है कि ऐसे कई केसेस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की हत्या, मंत्री किलर बने शी जिनपिंग। क्या 70 साल के शी जिनपिंग अपने मंत्रियों और जनरलों के किलर बन चुके हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। खबर है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुफिया इनपुट मिले हैं कि शी जिनपिंग इस वक्त चीन के अंदर खुफिया तरीके से अपने मंत्रियों और सेना के जनरलों को चुन चुन कर जान से मरवा रहे हैं। ये चीन के ऐसे बड़े और दमदार मंत्री थे जिन्हें जान से मारना वाकई बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने चीन के पूर्व विदेश मंत्री केन गैंग को जान से मरवाया है। सवाल यह भी है कि चीन को ऐसी जरूरत क्या पड़ी है कि उसने अपने देश के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और कई टॉप जनरलों को खुफिया तरीके से मरवा दिया है। क्या चीन अमेरिका और यूरोपीय देशों की किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुका है, या फिर रूस ने चीन को कुछ ऐसे खुफिया इनपुट दिए हैं जो चीन में CIA की गहरी जासूसी और एजेंटों से जुड़े हैं? क्या ऐसा संभव है कि चीन के मंत्री और सेना के जनरल अमेरिका और ब्रिटेन के जासूस और खुफिया एजेंट बन चुके हैं? इन हर सवालों का जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री केन गैंग को जान से मारने का दावा क्यों किया जा रहा है। चीन का एटम बम चोरी, जिनपिंग के मंत्री निकले गद्दार।
चीन में पिछले तीन महीनों से कुछ ऐसा हो रहा है जिसने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक शी जिनपिंग के इशारे पर चीन के किन टॉप मंत्री और जनरलों को मारा गया है। फिर हम आपको चीन के पूर्व विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और चीनी सेना में रॉकेट फोर्स के जनरल को मारे जाने के दावे के पीछे का सीक्रेट बताएंगे। अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो 57 साल के चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग को जान से मार दिया गया है। चीन के पूर्व विदेश मंत्री 6 महीने से गायब थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धोखे के चलते किन गैंग की हत्या करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने किन गैंग को यातना देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। जून 2023 के बाद से किन गैंग चीन में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। चीन के दो अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी देशों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किन गैंग की जुलाई में ही बीजिंग के एक मिलिट्री अस्पताल में मौत हो गई थी। जिनपिंग के करीबी पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग का खुफिया तरीके से मारा जाना चीन में बहुत बड़े बवंडर का संकेत कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि शी जिनपिंग के इशारे पर चीन में और कौन से बड़े मंत्री और जनरल मारे गए हैं। 65 साल के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को जान से मारने की भी खबर है। दावा किया गया है कि चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू पश्चिम देशों की खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे, जिसकी खबर लगते ही उन्हें भी शी जिनपिंग के आदेश पर जान से मार दिया गया है। अब सवाल उठता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व मंत्री को जान से क्यों मरवाया है। जरा ये भी जान लीजिए, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की हत्या, मंत्री किलर बने शी जिनपिंग। दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल चीन ने इस साल की शुरुआत में विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। चीन के दोनों टॉप मंत्रियों को क्यों जान से मारा गया है, इसके पीछे ऐसी वजह बताई गई है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू पर आरोप था कि इन्होंने अमेरिका को चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट बेचे हैं, जिसके चलते इनकी हत्या की गई है। अब सवाल उठता है कि चीन के दो टॉप मंत्री अमेरिका से जुड़े हैं, इसकी खबर शी जिनपिंग को किसने दी। जरा ये भी जान लीजिए, चीन का एटम बम चोरी, जिनपिंग के मंत्री निकले गद्दार। चीन के परमाणु हथियार और उससे जुड़ी जासूसी की जानकारी 6 महीने पहले शी जिनपिंग को मिल गई थी। दावा किया जा रहा है कि चीन के जिगरी यार रूस ने चीन को आगाह किया है कि उसके टॉप दो मंत्री और जनरल अमेरिका को चीन के परमाणु हथियारों और प्लान की जानकारी दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू पर चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने का आरोप था। इस बात की जानकारी रूस के उप विदेश मंत्री रोडेंको ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक संदेश में भेजा था। इस मैसेज के साथ ही उन्होंने आरोप लगाए थे कि पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और चीन की रॉकेट फोर्स से जुड़े अधिकारियों और चीन के पूर्व रक्षा मंत्री चीन के एटम बम की जानकारी अमेरिका को दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक किन गैंग पर अमेरिका को चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने का आरोप था। चीन के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किन गैंग के साथ पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू जुड़े थे। यहां तक कि चीन की रॉकेट फोर्स के कमांडर ल्यू युचाओ इस घोटाले में शामिल थे। चीन की रॉकेट फोर्स ही चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है, इसलिए शी जिनपिंग के इशारे पर पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को जान से मार दिया गया है, जबकि चीन की रॉकेट फोर्स के जनरल कमांडर ल्यू युचाओ हफ्तों से गायब बताए जा रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि चीनी सेना के कई टॉप जनरलों को भी जिनपिंग ने गायब करवा दिया है। अभी ये पता नहीं चला है कि वो जिंदा हैं या मारे गए हैं। कुल मिलाकर चीन में शी जिनपिंग के तांडव ने हाहाकार मचा दिया है। अब देखना होगा कि चीन में आने वाले दिनों में और कौन कौन से मंत्री और जनरल गायब होते हैं या फिर मारे जाते हैं। सुखदेव गोगा मेरी मदर केस में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने ऐसे खुलासे किए कि पुलिस के होश भागता। दावा किया जा रहा है कि सुखदेव की हत्या में 8 से ज्यादा मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने मिलकर हत्या को अंजाम दिया
इस मर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन ऐसे मोड़ पर अटक गई है जहां कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हत्यारे गिरफ्तार, खोला मर्डर का राज। पांच दिसंबर 2023 को सुखदेव को 9 गोलियां मारी गई और उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद दो हथियारों के अलावा सुखदेव हत्याकांड में कितने लोग शामिल हैं, इसका खुलासा होना शुरू हो चुका है। व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया, अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का। जयपुर और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए हथियारों से जो इनपुट मिले हैं, उसने सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी के मर्डर को सुलझाने की बजाय उलझा दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक जो हत्या के आरोपियों से जानकारी मिली है उस हिसाब से कितने लोग सुखदेव मर्डर की प्लानिंग और हत्या में शामिल है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हत्या के आरोप और हथियारों की मदद करने के आरोप में कौन आरोपी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित राठौड़ के रूप में पुलिस ने की है, जो सुखदेव की हत्या में शामिल है, जबकि उसका साथी नितिन फौजी भी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। वहीं हत्या के आरोपियों की भागने में मदद करने वाले ऊधम सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजस्थान पुलिस ने रामवीर जाट को कथित तौर पर शूटरों यानी रोहित और नितिन को अपनी बाइक पर मौकाए वारदात से भागने में मदद करने और उन्हें अजमेर रोड पर छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। SIT के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजमान डीडवाना में देखा गया। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहां उसको रुकवाया, कहां उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहां प्रतिदिन वो रुके थे, कहां कहां घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। कर्णी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की हत्या के आरोप में 9 दिसंबर को हरियाणा से 2 शूटरों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन शूटरों को दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान देर शाम चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के कमल पैलेस में दोनों आरोपी रुके थे। न्यूज 18 की टीम उस कमरे में पहुंची। क्या कुछ जानकारी हमें उस होटल से मिली जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने चंडीगढ़ में इसी पैलेस में धावा बोला और 3 आरोपियों को यहीं से काबू किया है। और यहां पर आके जो मैनेजर है उनको अपने आईडी प्रूफ दिए। आईडी प्रूफ देने के बाद, हालांकि आईडी प्रूफ भी जो बताया जा रहा है कि आईडी प्रूफ भी फेक है, सुखबीर के नाम से जसबीर और दविंदर 3 नाम से आईडी प्रूफ दिए गए हैं। 105 नंबर कमरा उनको दिया गया था, 105 नंबर कमरा, ये वही रूम है जहां पर वो आए और आकर उन्होंने यहां पर फ्रेश हुए और करीब आधा घंटा यहां पर रुके। जयपुर में मर्डर, दुबई का मिला कनेक्शन। सुखदेव सिंह हत्याकांड की कड़ियां एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती जा रही हैं। इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, पहले ये जान लीजिए। सुखदेव गोगा मेढ़ी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है।
रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या के लिए शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी। वीरेंद्र चारण के साथ रोहित राठौड़ रेप के केस में अजमेर जेल में बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण से मिला। नितिन विदेश जाना चाहता था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर तैयार हुए। दोनों शूटरों को हथियार के साथ जयपुर भेजा गया, जहां उन्होंने सुखदेव की हत्या की। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में अब तक 5 किरदार सामने आ चुके हैं। इन 5 किरदारों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। पांच दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जिस वक्त हुई, उस वक्त कमरे में कितने शूटर थे और कितने हत्या के मास्टरमाइंड, जरा इसे समझ लें। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सुखदेव सिंह पर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस वक्त तीसरा शूटर भी मौके पर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक वो शूटर था नवीन शेखावत, जिसने सुखदेव सिंह के घर की 10 दिन पहले रेकी की थी। नवीन शेखावत ही वो तीसरा शूटर था जिसे सुखदेव सिंह पर गोली चलानी थी, लेकिन नवीन मौके पर ही मारा गया। इसके अलावा हत्या और भागने में मदद करने वाले 2 लोगों ने हत्या के आरोपियों की मदद की थी, जिनका नाम है ऊधम सिंह और रामवीर चाल। जबकि सुखदेव सिंह की हत्या का एक मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है, जिसका नाम है वीरेंद्र चारण। हम आपको बता दें, सुखदेव की हत्या के कुछ देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जबकि पंजाब के बठिंडा में केंद्रीय जेल में बंद संपत नेहरा पर भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। कुल मिलाकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में अब तक 8 बड़े नाम सामने आ चुके हैं। मैं इंसान हूँ और 11 साल रही उनके साथ, तो वो तो देखो, उसको भी पता है मेरे साथ 2 महीने रह के गई है वो इसी मकान में। उसने क्यों बोला वो जाने, उसका हो सकता है प्रॉपर्टी का उसको ज़्यादा ही होगा, उसको प्रॉपर्टी के लिए कर रही होगी। मैं उसको बोल तो रही हूँ बार बार आप लोगों के माध्यम से, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, फिलहाल अपने न्याय की मांग करो। पूरा देश हंसी उड़ा रहा है उनकी मौत पे। सुखदेव सिंह के मर्डर के लिए 2 नहीं बल्कि 3 शूटर मौके पर मौजूद थे, जिसमें तीसरा शूटर नवीन शेखावत मौके पर ही मारा गया। दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दोनों शूटर से कड़ी पूछताछ में पता चला है। गोगामेड़ी की हत्या की साजिश उनके मर्डर से करीब 1 हफ्ते पहले रची गई थी। मृतक नवीन शेखावत ने पूरी रेकी की थी। शूटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नवीन शेखावत भी उनके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि फायरिंग के वक्त वो डर गया था और हमें फायरिंग करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हालात कुछ ऐसे बन गए कि नवीन शेखावत को गोली मारनी पड़ गई। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तियाब करने का कार्य में लगे हुए थे। शूटर गोगामेड़ी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के करीबी सहयोगी वीरेंद्र चारण के साथ लगातार संपर्क में थे, जिसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी था। शूटरों की हालिया लोकेशन का पता उनके मोबाइल फोन से लगाया गया, क्योंकि वो भागने के दौरान वीरेंद्र चारण को कॉल कर रहे थे। शूटरों ने पुलिस को बताया है कि वो पहले ट्रेन से हिसार गए और फिर ऊधम सिंह के साथ मनाली गए। वो 1 दिन के लिए मंडी में भी रुके। मंडी से तीनों लोग चंडीगढ़ आए, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा।
सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए। पहली तस्वीर में सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है, जबकि दूसरी तस्वीर में सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है। सपना जहां सुखदेव के मर्डर में किसी करीबी का हाथ बता रही है, तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुखदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है। हैरानी की बात तो ये है कि सुखदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जयपुर वाले घर में रह रहे थे, जहां 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई। तो फिर सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ये क्यों कह रही है कि वो किसी सपना को नहीं जानती। उनके घर में भी एक महिला है जिन्होंने पूरा ये बयान दिया था कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह लगे हैं। आप जानते हैं वहाँ पर किसी को? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती। प्रॉपर्टी का तो मुझे पता नहीं है अभी किसके नाम है। शकुंतला जी के नाम पर है? हाँ, बताया जा रहा है कि शकुंतला जी के नाम पे। मुझे बताते थे ऐसे कि अभी तो सब कुछ शकुंतला के नाम ही है। कुल मिलाकर सुखदेव मर्डर केस में अभी और भी बहुत से खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि हत्या के आरोपी और क्या क्या राज उगलते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा उठ गया, 2 राज्य बाकी हैं, जल्द ही उनमें भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन असल लड़ाई साल 2024 के चुनाव की है। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटें जीतेगी। इस दावे में कितना दम है? क्या ऐसा मुमकिन है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें ले पाए? राजस्थान पलट गया, मध्य प्रदेश पलट गया, छत्तीसगढ़ पलट गया, वहां आदिवासी सीएम चुना, और अब क्या पलटेगी बीजेपी की किस्मत? क्या 2019 और अब 2024 भी बीजेपी का होगा, मोदी का होगा? क्या 15 साल तक बीजेपी भारत पर लगातार राज करके सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी? इस बहुत बड़े मुकाबले के लिए बीजेपी 3 सूबों में विधानसभा चुनाव वाला टेस्ट पास कर चुकी है। जमीन से जुड़े नेताओं को सीएम बनाया जा रहा है। क्या तीनों राज्यों में बीजेपी 3 गुना कमाल करके दिखाएगी?